दुर्भाग्य में कार्य करती है। ये तो चक्रवर्ती सम्राट है, ये तो एक प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता है। तूने इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया, ये घोर पाप हो गया, बहुत पश्चाताप हो रहा है। अब एक शिष्य गौरमुख को परीक्षित को संदेशा देने के लिए भेजा। अब जब परीक्षित ने घर में जाकर अपने राजधानी में जाकर महल में जाकर जैसे ही उसने अपना मुक्त उतारा तो उसे ज्ञान हो गया, मुझे मेरे से गौरव प्राप्त हो गया है। उसी समय संदेशा आ गया कि आपको 7 दिन मरने का श्राप लग गया है। परीक्षित को बहुत गलानी हुई, मरने की गलानी नहीं हुई कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, परंतु उसको जे गलानी हुई, मैंने इतने बड़े ब्रह्म ऋषि का अपमान कर दिया, मेरे को 7 दिन क्या 7 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। परीक्षित माने ही मन बहुत आत्मग्लानी कर रही है, मेरे से घोर अपराध हो गया। सभी मंत्री परिषद बुलाई और अपनी भार्या को कहा, देखो मैं कितना एक सौभाग्यशाली हूं, 7 सेकंड का किसी को पता नहीं, मेरे पास 7 दिन है। और अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया और राजपाट त्याग दिया। देखो परीक्षित को जब परीक्षित आत्मग्लानी भी करते हैं और दुख बहुत करते हैं कि मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, इसलिए संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जे संतों का प्रेम नगर है जहां समझ कर आना ही, जो भी आए जहां से जाए काकी हाथ रहना जी। संतों के पास मंदिर के बंदर में, ब्राह्मण के घर में, किसी के घर में जाते वक्त कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये संतों का प्रेम नगर है जहां समझ कर आना जी। राजपाट त्याग लिया। अब जब बड़े बड़े संतों को पता चला कि परीक्षित को श्राप मिल गया कि 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अत्रि चैवन दुर्वासा सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, महाराजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। अरे मौत हो तो ऐसी हो, बड़े बड़े मेरे को उन्होंने कहा, हे महात्मा मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, परंतु प्रसन्नता मेरे को इस बात की है कि मैं आप जैसे बड़े बड़े संतों का आज दर्शन कर रहा हूं। उन्होंने उस श्राप को वरदान समझा। आज तो पेशेंट को बताया नहीं जाता, डॉक्टर बताते नहीं है कि आप सेवाई करो। परीक्षित मन ही मन बहुत प्रसन्न है और आत्मग्लानी हो गई कि आज संतों का दर्शन हुआ, परंतु जो पाप हुआ है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले पूछा क्या करना चाहिए, मृत्यु के लिए क्या करना चाहिए। जब ये बात सुखदेव जी को पता चली तो सुखदेव जी भागे भागे आए। गुरु सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी ने क्या धारण किया होगा, केवल गोपीन में आए होंगे। सभी ऋषि मुनि उनको देखकर खड़े हो गए। व्यास जी महाराज जी आ रहे हैं। अब जब सुखदेव जी पधारते हैं, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, नमामि सुखदेवं च भार्यां च हस्ति।
आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप ज्ञानी जन हो, आपके आगमन से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। संतों ने इशारा किया, ज्यादा प्रशंसा करोगे तो चले जाएंगे, क्योंकि संत समाज को प्रशंसा नहीं चाहता, जैसे आजकल नेता का प्रशंसा चाहते हैं ना, संत समाज नहीं प्रशंसा चाहता। सुखदेव जी का जीवन कैसा था? सुखदेव जी कैसे संत हैं? पांच घरों में जाना, ये हमारे हुशियारपुर में सुखदेव जी महाराज जी की भी ऐसी स्थिति थी। आप सभी को ज्ञान है, बैठे हुए ये जो ये भक्त बैठे हुए, पांच घरों में जाना, जितना दे दिया और जो उन्होंने देना वो मिक्स करके खाना, साधु की तरह रहना, स्वाद नहीं उसका देखना। मैं कल भी किसी सुखदेव जी महाराज जी के किसी शिष्य के पास खड़ा था, एक बार उनके साथ खड़े होकर आनंद हो जाता, बातें सुनने का बड़ा मन। सुखदेव जी कैसे संत थे? पांच घरों में जाना, जितना दे दिया उतना लेना और मुक्स करके फिर वहां कुटिया मारकर भोजन करना। सुखी चोई वाले महाराज जब अपनी भिक्षा लेते थे तो मैं 91 से काल में बार में से जहां आया हूं, मैंने स्वे देखे हैं, बहुत भीड़ होती है। जब उन्होंने प्रस्थान किए तो बहुत तूफान आया था, यहाँ पर साक्षात अवतार हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे संत हमारे सुखी जोई वाले संत हमारे जो इस पावन धरती पर हुए हैं। बोलो संत समाज हरि बाबा जी बांध बनाए था उन्होंने वहां पर, और वो टिकता नहीं था, बड़े बड़े इंजीनियर लगवाते थे। ऐसे संत हुए हमारी पावन भूमि पर। सुखदेव जी महाराज जी की ऐसे बीतरा की संत थे, जैसे पहुंचे परीक्षित ने केवल क्या पूछा है कि जो शीघ्रता से मरने के लिए तैयार हुई है उसके लिए क्या करना चाहिए, जे नहीं पूछा तो मेरे को बचाने के लिए कुछ करो। परीक्षित ने जे प्रश्न नहीं किया, उन्होंने जे पूछा है कि जिसकी शीघ्रता से मृत्यु हो जाए उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, अरे परीक्षित तू पात्र है, मैं पहले ही बता चुका हूं, पात्र को ही पदार्थ मिलता है। अगर आप अगर शेरनी दूध पीती है तो केवल स्वर्ण के बर्तन में, सोने के बर्तन में दूध पीती है, नहीं तो अन्य नहीं भी पीती है, क्योंकि वो उसकी उसमें ही पात्र रहा है। परीक्षित तुम पात्र हो, कथा सुनने के योग्य हो, परीक्षित क्योंकि तुम भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था है। यदि हम सबकी भी ऐसी ही आस्था बनी रहे, देखो शमशान में, रोग में, सत्संग में, यदि हमारी वैसी ही परिस्थिति रहे तो जीवन में दुर्भाग्य आएगा ही, परंतु जहां से गए नहीं माया जकड़ लेती है, नहीं ना कहीं फोन आ जाएगा, मोबाइल फोन आएगा, जहां आओ ये हो गया वो हो गया। शमशान में जब उस अस्थि को मुर्दे को अग्नि लग रही होती है तो यही सोचते हैं जीवन क्या है, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, और रोग अवस्था में जब बहुत रोगी हो आदमी, केवल हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद आरती हो जाएगी। तो परीक्षित ने 7 बजे से बाद नहीं, मैं इस परिस्थिति आपकी समझता हूं, परीक्षित ने यही प्रश्न किया
कि जिसकी शीघ्रता से मृत्यु हो जानी उसको क्या करना चाहिए। शुभदेव जी ने कहा सबसे पहले जितेंद्रिय बनो, जितासन बनो, प्राणायाम में प्राणायाम करो और अपनी इंद्रियों को जीतो। जितासन अर्थात हमारा जितना आसन पक्का होगा तभी हम प्राणायाम कर सकेंगे, जितेंद्रिय होंगे, अपनी इंद्रियों को काबू कर सकेंगे। और सत्संग विद्वानों का संग करेंगे, शिक्षित वर्ग का संग करेंगे, इसलिए अच्छा संग करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा हमें चिंता को छोड़कर चिंतन को बढ़ाना चाहिए। जितने भी हम चिंता ज्यादा करते हैं और चिंतन नहीं करते, चिंता संसार की होती है, चिंतन भगवान का होता है। जितनी संसार की चिंता करेंगे उतना ही गर्त में चले जाएंगे। जितने भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए चिंताएं होती है, परंतु अति सर्वत्र वर्जित, अति की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो होना वो हो गई। जय भक्ति सेव भविष्य, जो होता है वो होगा, वो होकर रहेगा। इसलिए चिंतन को बढ़ाएं और चिंता नहीं करनी चाहिए। अब सुखदेव जी ने उपदेश देते हुए भगवान का चिंतन किया, स्तवन किया और भगवान को प्रणाम किया। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, हे भगवान, परमात्मा इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, अर्थात यह सृष्टि कैसे बनती है, यह संसार कैसे बना हुआ। और जो आप मुझे उपदेश कर रहे हैं कि धर्म में ये करना चाहिए, धर्म ये बोलता है, इसको किसने कहा और क्यों कहा, सबसे पहले किसने किसको कहा, ये मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी बोले इस उपदेश को नारायण ने ब्रह्मा जी को मानसिक उत्पत्ति से कोई पढ़ाया नहीं, मानसिक उत्पत्ति से पढ़ाया, मनसा परिकल्पना, परिकल्पना करके। सारी सृष्टि में कोई नहीं था, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायु, अर्थात अंडज जो अंडाकार में होते हैं, कीड़े मकोड़े आदि, पर्वत आदि, वृक्ष, कुछ भी नहीं था। उस परम पिता परमात्मा के मन में विचार आया कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी। जल ही जल था, समाज में कुछ नहीं था, सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। भगवान ने ध्यान लगाकर शेषनाग जी को प्रेरित किया और ऐन बनाया, तो क्या बने, नारायण। बोलो सरस नारायण भगवान की। परंतु नारायण ने क्या सोचा, मैं तो अकेला हूं, अब सृष्टि कैसे चले। तो ब्रह्म नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के चार मुख, जिधर देखते थे उधर ही सब कुछ दिखाई देता, परंतु जे नहीं दिखाई दिया, मैं प्रत कहां से हूं। अब ब्रह्मा जी नाभि कमल के पुष्प में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उनको एक दो शब्द सुनाई पड़े, त और प, अर्थात तप
तपस्या करो, आज्ञा हो। ब्रह्मा जी ने अनेकों वर्षों तक तपस्या किया, तपस्या करने के बाद श्रीमद नारायण जी का दर्शन किया। नारायण भगवान ने कहा, आज से तुम्हें विधाता बना दिया। कभी कहते हैं ब्रह्मा विधाता है, विधाता ही करेगा जो करेगा, विधाता नहीं करना जो करना है। तो श्रीमद नारायण ने ब्रह्मा जी को विधाता बना दिया। अब विधाता फिर अकेला रह गया, सृष्टि कैसे चले। पुनः तप किया, सनक सनंदन सनत कुमार, और उस पुत्र कह सकते हैं ध्यान से, हमारे ऋषि मुनियों में इतनी तपस्या थी, और उस पुत्र कहते हैं ध्यान लगाकर प्राणायाम करके, सनक सनंदन सनत कुमार को उत्पत्ति हुई। परंतु वह वैराग्य के प्रति उनकी चेष्टा होगी, उनकी इच्छा होगी कि हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उनकी वृत्ति से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। अब जब भगवान शिव की उत्पत्ति हुई तो भगवान ने कहा, क्या आज्ञा है पिताजी? उन्होंने कहा सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो भगवान शंकर ने डाकनी शाकनी पिशाचनी आदि सभी उत्पन्न प्रारंभ कर दी, परंतु भगवान ने कहा बात बात हो गया। भगवान की दोनों वायु से मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसको हम जिस संसारिक सृष्टि कहते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले नारायण थे, मध्य में भी नारायण है और अंत में भी नारायण ही रहेंगे। भगवान के बिहारी समय का सदुपयोग करते हुए भगवान का एक भजन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, 4 बजे प्रारंभ हो जाते हैं। देखो आज हमने सृष्टि का वर्णन शुरू कर दिया। कथा का नियम वैसे ये है, प्राचीन समय में कथा का क्या नियम था, 2 समय कथा होती थी, सुबह भी और शाम। सुबह का तो टाइम चला गया, क्योंकि करने वाले के पास समय हो, सुनने वाले के पास समय नहीं है, कितने मेरे बैठ के सुन रही है। अब कितना समय रह गया, 3 घंटे। 3 घंटे में कितने रह गए आपके पास, 4 घंटे। 4 घंटे में भी केवल 3 घंटे। 3 घंटे में भी कुछ एक टाइम देख कर आते हैं, 6:30 बजे चलते हैं, 7 बजे परिपूर्ण हो जाए। तो ये सारांश है कथा को पूरे दिन की है, तो आप सारांश को सुनने के योग्य बनो। जहां पर शायद 36 साल हो गए, 36 साल ही हुए ना जी, 36-37 साल सम्मेलन करते हुए हो गए, ये तो पावन भक्ति है। घर में अगर आपने आपको मूर्ति रखी है ना, उसको प्रतिष्ठा ना करो, मंदिर में भी चाहिए उसकी आरती डालते रहो ना, तो वो प्रतिष्ठित हो जाती है। तो जहां पर तो कई साल होंगे, अनेकों साल सम्मेलन करते हुए होंगे। रामायण की टिपाई में पहले बोलता हूँ, माताएं बाद में अपने आप ही आती है, रामायण की इतनी इनकी नॉलेज है। रामायण के प्रति सम्मेलनों के प्रति इतनी भावुकता है, कार्य करने में इतनी कुशलता है माताओं की, कि आते ही घर वाले चाहे लेट हो जाए, 1:30 बजे 2 बजे आ जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता है जिम्मेवारी संभालने वाले बैठे हुए। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, हो जाए।
तब मैं जब भगवान जाएंगे तेरा सहारा नहीं है।
तो केवल 5 मिनट के लिए उसके बाद भगवान को भोग तो लग गया है, भगवान की आरती होगी, तो बड़े भाव से एक भजन के दिनों में हो।
Yeah.
दामोदर वासुदेव हमारे श्री धर्माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक श्री रामचंद्र हमारे तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या रमणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा बार बार वरमाग्यो हर्ष देहो श्री रंग हर सरोदय अनुपायने भज सदा सत्सर सियावर रामचंद्र महाराज के कृपा निधि कृष चंद्र महाराज के उमापति महादेव के पवन सुत हनुमान के गुरु भाई सब संतन के गुरु अपने अपने सदगुरु महाराज के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हरिनाम संकीर्तन का भारत माता के गो माता के सब संतन के जो बोले सभी का हार्दिक अभिनंदन इस कथा प्रांगण में जो है पहुंचने के ऊपर जो है बड़ी ही सुंदर व्याख्या व्यास जी ने अपने मुखारविंद से जो है सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई थी इसकी व्याख्या आज करी है। काल को कथा को जो है किस प्रकार सृष्टि जो आगे चली और उसके ऊपर जो है कथा करेंगे। इसी प्रकार बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लीजिएगा। आज पावन कथा जो है विशाख का महीना और विशाख महीने में जो है ये पावन कथा जो है व्यास जी के मुखारविंद से हमें श्रवण करने के लिए इस मंदिर में जो है मिली है। इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा समय के अनुसार 4 बजे कथा शुरू होगी, 4:30 व्यास जी कथा शुरू करेंगे और 7 बजे आरती हो जाएगी। समय बिल्कुल हमारा यही रहेगा, 7 बजे आरती कर देंगे हम। तो ज्यादा से ज्यादा जो है सभी लोग आए और जो भी आए अपना कीमती समय निकाल कर सुस्वागत का हार्दिक अभिनंदन उनका जो अपना कीमती समय निकाले उनका हमें विरास। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।